ये कॉटन की टी शर्ट है, आइए आज इस पर आउल ड्रॉ करते हैं। मैं इसे डायरेक्ट ब्लैक कलर से ब्रश से ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले ड्राइंग ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसके बाद ब्लैक आउटलाइन करिए। फैब्रिक कलर इसमें यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर 000 ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बारीक काम है और मोटी जगहों पे आप मोटे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। आउल के फेस में हम रेड कलर के सेड यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइट ऑरेंज डाला है और आईज़ में डार्क रेड ऑरेंज डाला है। हाँ, मैं कुछ अलग कर रही हूँ। फैब्रिकल का लिक्विड एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर रही हूँ। ये दो कलर के सेट मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैं लेमन येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन यूज़ किया है।
यहाँ पे मैं रेड यूज़ कर रही हूँ, सेकंड स्ट्रिप में मैं ऑरेंज यूज़ करूँगी। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैं स्ट्रिप में अलग अलग अल्टरनेट कलर्स यूज़ कर रही हूँ ताकि वो ब्राइट दिखे। और ये ग्रे कलर की टी शर्ट है, इसलिए कलर करते समय थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। लेमन येलो में मैंने थोड़ा वाइट कलर यूज़ किया है ताकि वो ग्रे कलर की टी शर्ट पर ब्राइट दिखाई दे। मैं क्रोम येलो यूज़ कर रही हूँ और सेकेंड स्टेप्स में हम रेड यूज़ करेंगे। ब्रांच में मैंने ब्राउन के सेट्स डाले हैं। देखिए हमारी टी शर्ट अब बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आप सभी को ये टी शर्ट बहुत पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार।